हेलो लर्नर्स, दिस इज योर प्रेजेंटर अभी। सभी विद्यार्थी व शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है इस शिक्षा केंद्रित चैनल में। तो देखते हैं इस वीडियो का आज का क्या विषय है। यहाँ पे लिखा हुआ है NTA नेट संस्कृत प्रिपरेशन। ओके, उसके बाद न्यू संस्कृत नेट सिलेबस 2019 एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि हमने पहले वीडियो बना लिया है इस पार्ट का, जो कि पार्ट वन है। तो जो जो विद्यार्थी पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस पार्ट का पहला पार्ट जरूर देखें, ताकि कंटिन्यूएशन बनी रहे, रिलेवेंस बनी रहे, वरना डायरेक्ट पार्ट टू में आके तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पार्ट वन जरूर देखें, उससे भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए पार्ट वन जरूर देखें। सो ये टाइटल था, तो देखते वीडियो में क्या है। इसमें इकाई 4 माने इकाई 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है, आज इकाई 4 है। तो इकाई 4 में नेट सिलेबस में अभी क्या है देखते हैं। पहला है दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, उसमें ईश्वर कृष्ण का सांख्यकारिका। हाँ, सांख्यकारिका का क्या क्या सही है हमें, सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यक्षकरण, कैवल्य। सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही आता है कि सत्कार्यवाद के जो जो कारण होते हैं वो कारण क्या क्या, सार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक एक कारण नहीं है वो हमें चूज करना है। इसलिए सत्कार्यवाद के 5 कारण होते हैं, असत कारण, उपादान ग्रहण, सर्वसंभव अभाव, शक्ति से शक्त कारण, कारण भाव से सत्कार्य। ये एक कारिका है सांख्यकारिका में, तो हमें यही पढ़ना है, उसके अलावा सत्कार्यवाद में कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद है पुरुष स्वरूप, पुरुष का जो स्वरूप होता है, पुरुष चेतन होता है या अचेतन होता है, एक लिंग होता है, बहुत ही स्वतंत्र है कि परतंत्र है, ये सब उसका भी कारिका होता है, वो भी हमें देखना पड़ता है। सिर्फ ये बता रहा हूँ, आज मैं वो एनालिस डिटेल एनालिस नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत एनालिस करना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ हेडलाइंस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है प्रकृति स्वरूप, प्रकृति स्वरूप का भी एक क्वेश्चन है, हेतुमत, अनितम, अव्यापक, लिंगम, वैसा कुछ है, मतलब है ही, मतलब अभी पूरा याद नहीं है, पूरा श्लोक याद नहीं है, पूरा कारिका, तो वो प्रकृति का स्वरूप है, वो भी हमें पूरा कंठस्थ करना है, ताकि जो भी सवाल है उसमें से वो हम कर सके। उसके बाद सृष्टि क्रम है, जो क्या से क्या उत्पन्न, हमें पता है सांख्यकारिका से सबसे पहले तो प्रकृति होता है, प्रकृति से महत से अहंकार, ऐसे सिस्टमेटिकली जो सृष्टि क्रम है हमें याद रखना होता है। उसके बाद प्रत्ययसर्ग, प्रत्ययसर्ग कितने होते हैं, 4 होते हैं, अशक्ति, विपर्जय, तुष्टि, सिद्धि, ये सब पता है। सो प्रत्ययसर्ग उसमें भी से एक क्वेश्चन आता है, कितने प्रत्ययसर्ग के जो भाग होते हैं उसमें से टोटल कितना होता है, उसमें से एक आएगा 49, 50, 51, 52, तो करेक्ट आंसर तो वही है 50। सो प्रत्ययसर्ग टोटल है 50, जिसको सार भाग में भाग किया हुआ है, किया गया है, वो है अशक्ति, विपर्जय, तुष्टि, सिद्धि। उसके बाद कैवल्य, कैवल्य मतलब मुक्ति, वही कैवल्य का अर्थ पूछा जाता है। उसके बाद सदानंद योगी का वेदांत सर, ये बहुत टफ है, बहुत ही टफ है, मतलब बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसमें से अनुबंध सदस्य, उसमें अनुबंध सदस्य है जो सार अनुबंध सदस्य है। उसके बाद अज्ञान, अज्ञान का स्वरूप आता है, अज्ञान का स्वरूप क्या है, सत भावोरूपम, त्रिगुणात्मकम, ज्ञान विरोधि, ये सब अज्ञान का जो सार पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पढ़ना होता है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अध्यारूप, अध्यारूप का जो संज्ञा होता है वो हमें याद करना होता है, जो वस्तु में अवस्थित तारूप, यही अगर अध्यारूप से कोई क्वेश्चन आएगा वही आएगा कि उसका डेफिनेशन क्या होता है और अपवाद का डेफिनेशन क्या है, ये सब आता है। उसके बाद लिंगो शरीर उत्पत्ति, लिंगो शरीर उत्पत्ति माने जो हमारे स्थूल एंड सूक्ष्म शरीर होता है उसमें से लिंग शरीर के कितने भाव है वो हमें सबको पता ही है, नहीं पता है तो पता लग जाएगा अभी। 17 लिंग शरीर, सूक्ष्म लिंग शरीर है, तो क्वेश्चन यही आता था कि लिंग शरीर अवयव कितने प्रकार के होते हैं, वो है 17, क्या क्या है, पंच वायु, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, बुद्धि एंड मन, यही है लिंग शरीर पर। उसके बाद पंचीकरण, पंचीकरण जो स्थूल शरीर उत्पत्ति होता है वो पंचीकरण होते हैं, वो किस प्रोसेस में बनते हैं, उसमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद विवर्त, विवर्त का एक क्वेश्चन आता है कि विवर्तवाद कौन से दर्शन का अंतर्गत है, विवर्तवाद कौन से दर्शन का है, वो है वेदांत, और परिणामवाद कौन से दर्शन का है, वो है संख्या का, ये दोनों कंफ्यूज होते हैं। सो परिणाम है संख्या एंड विवर्त है वेदांत।
उसके बाद महाविक का, महाविक को एक है तत्वमसि, तत्वमसि का जो क्वेश्चन आता है वो जहत लिंग का है अजहत लिंग का, ये कौन सा वाक्य है जो तत्वमसि है जहत अजहत लिंग का, ये क्वेश्चन है। तो जीवन मुक्ति का एक क्वेश्चन आता है वो देख लेना। उसके बाद अनंत भट्ट का तर्क संग्रह या केशव मिश्र का तर्क संग्रह, दोनों में से अगर कोई भी पढ़ ले वो चलेगा। वो भी डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, जैसे पदार्थ कितने पदार्थ होते हैं सबको पता है। उसके बाद कारण प्रमाण प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान अनुमान बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है ये अनुमान। अनुमान का जो पंच अवयव है, तो उसके बाद हेतुभाष आता है, उसके बाद उपमान का श्रृंगा, उपमान का डेफिनेशन, शब्द आप्त वाक्यम शब्द, उसके बाद प्रमाण्यवाद, उसके बाद प्रमेय। ये प्रमेय जो है, प्रमेय को हमें केशव मिश्र के तर्क भाषा से पढ़ना होता है, और बाकी सब तर्क संग्रह से हम पढ़ के भी हो सकते हैं। तो दोनों पढ़े बहुत अच्छा है, दोनों नहीं पढ़े एक 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 भी पढ़े तो भी अच्छा है। उसमें से एक एक दो या तीन ही सवाल आता है, सो ये इतना हेडेक नहीं है। वेदांत सर बहुत ही टफ है, सो उसके लिए हम शायद वीडियो बनाएंगे 2-3 मिनट का छोटे छोटे, ताकि याद रह सके। उसके बाद ये इकाई फोर्ट है, उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, इसमें कुछ दिया नहीं गया है, डायरेक्ट लिखा गया है लोगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह, मतलब मजे ले रहे हैं अंतिम वाले, मतलब पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, केवल पढ़ो, नहीं बोलेंगे क्या क्या स्पेसिफिक है, सिर्फ पढ़ो, किताब लेके बैठो और पढ़ो अर्थ संग्रह, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मुझे भी परेशानी हुई थी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ। मतलब अर्थ संग्रह बहुत ही फास्ट फास्ट कॉन्सेप्ट है उसका अर्थ संग्रह का, सो याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए पढ़ना तो पड़ता है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, बेस्ट ऑफ लक, सब सब पढ़ेंगे अच्छे से क्या क्या है लोगाक्षी अर्थ संग्रह। पहला तो है कौन से दर्शन का अंतर्गत है, वो है मीमांसा दर्शन। उसके बाद क्वेश्चन आता है जो जो विधि होती है अर्थ संग्रह का, वो क्या होता है, और बहुत ही उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं इसमें से, तो कॉमन क्वेश्चन निकाल भी नहीं सकता मैं, मतलब बहुत ही फास्ट किया है, और कुछ दिया भी नहीं गया, डायरेक्ट अर्थ संग्रह लिखा गया है, मतलब डायरेक्ट पूरा किताबी बोलो, हमें जो जो मन में आएगा वो हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें से तुमको देना पड़ेगा ऐसा। उसके बाद पतंजलि का योग सूत्र है, जो व्यास भाष्य का भाष्य है वो, उसमें से सिद्ध भूमि, जो 5 सिद्ध भूमि है। उसके बाद सिद्ध भूमि बहुत बार आता है, जैसे क्षिप्त मूल विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये सिद्ध भूमि याद करना होता है। उसके बाद सिद्ध वित्तिया, उसके बाद ईश्वर का जो स्वरूप होता है, उसके बाद यगांग योगांग, योगांग बहुत ही कॉमन है, सबको पता ही है क्या क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, सभी सभी योगांग का हमको डेफिनेशन याद रखना होता है। उसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो समाधि होती है, 7 समाधि होते हैं। पहले तो समाधि का 2 भाग होता है, सविकल्प निर्विकल्प। उसके बाद सविकल्प का जो 7 भाग होता है उसमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद केवल, केवल मतलब मुक्ति, उसका भी डेफिनेशन होता है। उसके बाद बादरन का ब्रह्म सेतु 1.1, ये तो बहुत तकलीफ दिया है हमको पढ़ने में। तो उसके उसमें से इसमें भी कॉमन क्वेश्चन नहीं है, उसमें सिर्फ पढ़ने होते हैं सब लोग, जो आएगा देखा जाएगा, बाकी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकते शंकर भाष्य। उसके बाद है विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्त वाले अनुमान खंड। अनुमान खंड में क्या है, जो हेतुभाष है, जो हेतुभाष का जो 5 टाइप्स ऑफ हेतुभाष, वही सबसे कॉमन क्वेश्चन है, अनिकांतिक असिद्ध विरुद्ध बाधित एवं प्रतिपक्षित सत्प्रतिपक्ष, वही क्वेश्चन है। उसके बाद जो उसका जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, वही एक बार दो बार पढ़ लेने से वो क्लियर हो जाएगा। सो ये ज़्यादा थोड़ा परेशानी के विषय नहीं है, विषय न्याय से एकदम तैयारी। उसके बाद है सर्वदर्शन संग्रह, ये आसान है, ये एक बार दो बार पढ़ लेंगे वो हो जाएगा। क्या क्या मत है बौद्ध मत, जैसे सप्तत्व कौन सा दर्शन का अंतर्गत है, वो जैन मत है। उसके बाद सप्तभंगी न्याय कौन से दर्शन का अंतर्गत है, वो भी जैन मत है। उसके बाद बौद्ध मत का जो 7 भाग है, माध्यमिक योगाशास्त्र जो 7 संप्रदाय है, माध्यमिक योगाशास्त्र सौत्रांतिक एंड वैभाषिक, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो और कैसे आते हैं, वैसे ही आते हैं माध्यमिक योगाशास्त्र सौत्रांतिक। उसके बाद अष्टांग अष्टांगी का मार्ग, वो बहुत बार आता है, बौद्ध मत का जो अष्टांगी का मार्ग वो आता है। उसके बाद जो सार मत है, सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम शरीवम
सर्वश्र लक्षणम श्र लक्षणम सर्व चिन्हम चिन्हम, ये पढ़ना होता है बुद्ध मत का, बाकी सब तो सबको पता ही है। उसके बाद है इकाई फाइव। इकाई फाइव में क्या है, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। इसमें हम ज्यादा डिस्कस करने की कोई बात भी नहीं है। ये इसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य वर्ष निम्नलिखित आचार्यों का परिचय, उसमें से पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीनों जो त्रिमुनि नाम नाम से जाना जाता है। अभी अभी हम कैसे पढ़े, इतना नाम दिया गया है, इसका एक ही काम है। इन सभी विद्वान, इन सभी आचार्यों ने जो जो किताबें रचना की, जो जो पुस्तकें लिखी है, उसका एक लिस्ट बना सकते हैं, वही आता है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। सो यही पढ़ना होता है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना होता। उसके पाणिनि शिक्षा, पाणिनि से बहुत ही छोटा सा शुद्ध पूछा किताब है, वो एक बार में पढ़ सकते हैं, उसमें से दो दो या तीन क्वेश्चन आते हैं। उत्तम उत्तम पाठक का जो लक्षण है, तो अधम पाठक का जो लक्षण है उसमें से, और बहुत सारे हैं। कितने कितने पाणिनि के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, 63, 64, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पाणिनि शिक्षा। उसको इसका भी हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे पूरा डिस्कशन के लिए। दो या तीन नंबर, दो या चार नंबर जरूर आते हैं उसमें से पाणिनि शिक्षा की। उसके बाद है भाषा विज्ञान, इसका भी सिलेबस बहुत लंबा दिया गया है। भाषा की परिभाषा, भाषा के वर्गीकरण, आकृति मूलकरण, पारिवारिक, आकृति का जो स्पिष्ट है, प्रस्पिष्ट है, ये सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद ध्वनि का वर्गीकरण, स्पर्श, जो क से मतलब जो वर्ण होते हैं व्यंजन का, वो उसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। उसके संघर्ष, ख फ, ये सब संघर्ष वर्ण। उसके बाद स्वर, स्वर तो हमें पता है, अ आ ई। उसके बाद मानवीय ध्वनि यंत्र, उसके बाद ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन के बहुत कारण होते हैं। उसके बाद ध्वनि नियम, भ्रम, रसमन, वर्ण, वर्नर, वर्नर का जो लॉ होता है, व्हाट इफ यू रेड गाडावा से खटाफा, खटाफा से कटाफा, ये सब ये आता है बार बार, ध्वनि नियम का, ग्रासमर का, सो ये हमको देखना पड़ता है। उसके बाद कितना लंबा है, बाप रे बाप, वही पिछला स्लाइड का एक कंटिन्यूएशन है। अर्थ परिवर्तन के दिशा एवं कारण, उसके बाद वाक्य का लक्षण व भेद, उसके बाद भारतीय, भारतीय मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, भारतीय मैंने भारत प्लस यूरोप का परिवार के सामान्य परिचय। उसके बाद वैदिक या संस्कृत, लौकिक संस्कृत में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैदिक व लौकिक संस्कृत में अंतर। उसके बाद भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर। इसको थोड़ा बड़े कर लेते हैं। इकाई सिक्स, व्याकरण स्तर हो गया। उसमें से जो परिभाषा है, परिभाषा ये जो जितने भी परिभाषा है दिए गए उसका संज्ञा हमको पढ़ना होता है। जैसे संहिता, संहिता क्या है, पर शनि के संहिता। उसके बाद हलानंतर शंग, जो जो दिया गया है उसमें सब हमको संज्ञा पढ़ना होता है। जैसे गुण, गुण अरेंग गुण है, उसके बाद वृद्धि, वृद्धि आदेश, उसके बाद प्रतिपादिक, प्रतिपादिक का बहुत लंबा है, अटवत्तु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, उसके बाद इतने सारे है, याद रखना मुश्किल होता है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद जो संधि होते हैं, संधि असंधि, हल संधि एंड विसर्ग संधि, वो कहाँ कहाँ से है, वो लघु सिद्धांत कौमुदी के उनसे, जो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है वरदराज का, वो उनसे हम पढ़ना होता है। उसके बाद सुमंत, सुमंत इसको हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सबको पता ही होता है, राम रमो रमा, ये तो छोटे बच्चे को पता है क्लास सेवन एट का। विश्वपा, होली, त्रि, सखी, सुधी, पित्री, गो, रमा, मति, नदी, धनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु, ये सब एक बार दो बार हम देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। शब्द क्या पढ़ेंगे अभी, सबको पता ही होता है। उसके बाद है समास, अव्यय भाव समास, तत्पुर समास, फिर से लघु सिद्धांत कौमुदी कौन सा, अव्यय भाव समास, तत्पुर समास, दंड समास, तो बहुत बहुत ही ब्रीफ में उसको डिस्कशन किया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सो ये भी अच्छी बात है, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। उसके बाद त्वरित प्रत्यय, अपत्याटक, मृत्याटक, कुछ व्याकरण चित्तांत के अनुसार। सो ये लंबा है, सो अपत्याटक एंड मृत्याट्य त्वरित प्रत्यय हम जरूर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद तीन घंटा, तीन घंटा भी खुद ही पढ़ लेना,
वो हमको पता ही है, क्लास 7, 8, 9, 10 से पढ़े हुए हैं हम। भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः, उसमें से हम क्या डिस्कस करें अभी उसके बारे में। प्रत्यय अंता निजंत सनंत यंगंत यंगंत नाम धातु। निजंत प्रत्यय होता है कारयति गमयति, ये सब शनंत यंगंत यंगंत, ये सिर्फ रिविजन है ग्रामर का। ग्रामर हम सब पढ़े हुए है, सिर्फ रिविजन करने से हो जाएगा। फिर से कृदंत प्रत्यय है तेभ्य अन्य यज्ञात क्या क्षत्रि सारस प्राप्त हो तुम तुमन सुमन तुमन नमुन स्त्री प्रत्यय लघु से तंत को मुद्दे कौन से। फिर से कारक प्रकरण, कारक प्रकरण भी हमने पढ़ा है बहुत बार, पढ़ते रहते हैं। उसके बाद परस्म पर आत्मनिर्भर विधान सिद्धांत को मुद्दे का विषय। परस्म या आत्मनिर्भर हमने शायद नहीं पढ़ा होगा आज तक, तो ये हम नेट की कृपा है कि हमको पढ़ना पड़ेगा अभी। उसके बाद महाविश्व, महाविश्व पश्व शानिक महाविश्व जो एक क्वेश्चन है, एक पॉप क्वेश्चन, महाविश्व का ग्रंथकार कौन है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, तभी पता चलेगा आप लोग भी बहुत सीरियस है, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो पता नहीं लगेगा, नहीं तो ऐसा ही लगेगा कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि महावश्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये बता रहे हैं। उसमें क्या क्या है? शब्द की परिभाषा है, शब्द और अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण के जो 5 मुख्य उद्देश्य होता है, उसके बाद जो गौण उद्देश्य वो पास है रक्षा हो आगम लघु औषध प्रयोजनम, ये सब 5 मुख्य प्रयोजन है। उसके बाद गौण प्रयोजन 13 है, वो ज़्यादा नहीं आते, 5 ही ज़्यादा आते। उसके बाद व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, उसके बाद व्याकरण का पद्धति, उसके बाद वाक्य बुद्धि। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है ये ब्रह्मकांड है, मतलब शब्द की सृष्टि कहाँ से होती है, शब्द का व्यवहार कैसा होता है, उसके बाद शब्द ही जो ब्रह्म है उसको बताया गया है। शब्द की शक्ति, स्फूर्त क्या होता है, शब्द से अर्थ का संबंध, ध्वनि का प्रकार, भाषा के स्तर, ये सब। अगर कोई व्याकरण पढ़ना चाहे, व्याकरण के जो छात्र है, व्याकरण के जो विद्यार्थी है, वो तो जरूर पढ़ेंगे वाक्य बुद्धि, पढ़ना पड़ेगा वाक्य बुद्धि। उसके बाद पाणिनि, अष्टाध्यायी और महावश्य, इन तीनों को मिलाकर के कोई विद्यार्थी पढ़े तो वो व्याकरण के पंडित बन जाएंगे, ये गारंटी है। वाक्य बुद्धि बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है व्याकरण के दृष्टिकोण से। उसके बाद ये खत्म हो गया, कितना लंबा देखा है हमको पढ़ना पड़ेगा, कितना लंबा सिलेबस दिया गया 21 यूनिट 6 में। बाप रे बाप, बच्चे की जान लेंगे एनटीए वाले, कितना पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 7 साहित्य काव्य शास्त्र एवं संत परिचय, यहाँ पे बहुत सारे पंडित विद्वान कवि का नाम लिखा गया है, उसमें से हम कैसे पढ़े। इसमें सबसे पहली बात है इन सारे कवियों का टाइमलाइन, कवि का समय, उसमें से एक हम लिस्ट बना लेंगे, वो बहुत बार आता है। उसके बाद उसका सेकंड टास्क है कि हमको सभी कवियों का जो जो ग्रंथ उनके रचना की है एक लिस्ट बनाएंगे, वो पूरा कंठस्थ होना चाहिए, वो कहाँ से कब क्वेश्चन पूछते पता नहीं चलता उसमें से। ऐसे तो हम सबको पता है उसका विलन का आता है 100 रूप 50 सेकंड, विक्रमा का देवचरिता। उसके बाद श्रीयश ने एक ही ग्रंथ, श्रीयश ने नैचर्य चरित्र लिखी है। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास ने पहली उपन्यास लिखी है संस्कृत का, सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शिवराजे विजय। उसके बाद ये पंडित क्षमा राव, बी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये तीनों आधुनिक काल के लेखक है, उनका एक वीडियो बना देंगे, उन लोगों ने क्या क्या ग्रंथ रचना की है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद काव्यशास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि रस संपत्ति का प्रवर्तक कौन है, हम सबको पता है कौन है, भरत मुनि। उसके बाद अलंकार का क्या है, अलंकार का कौन है, उसके बाद भामह, उसके बाद रीति का बामन, उसके बाद ध्वनि संप्रदाय सबको पता है, आनंदवर्धन, वक्रोक्ति, सारे 6 संप्रदाय में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो जो प्रवर्तक है उसके कोई और ग्रंथ उन्होंने रचना की है कि नहीं, वो भी एक लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ये नया ऐड हुआ है इस बार दिसंबर की सिलेबस में, सो इसमें से कोई किसी को आइडिया नहीं हुआ था कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, तो अभी सबको आइडिया हो गया है कि क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं आएगा, ये आएगा कि
इन तीनों विद्वानों ने क्या क्या ग्रंथ रचना की थी? ओनली सबलाइम, इस बार क्वेश्चन आया था ओनली सबलाइम ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो हमको सबको पता है लॉन्जिनस, सबको पता नहीं है, बहुत ने गलती किया है, सब पता नहीं है, इस वीडियो देखने का बाद पता चलेगा। उसके बाद अरस्तु, अरस्तु अरस्तु माने अरिस्टोटल जो है उनका नाम अरस्तु लिखा गया है। सो अरस्तु, उन्होंने द पोएटिक्स, फिर से एक क्वेश्चन आया था द पोएटिक्स ग्रंथ के रचयिता कौन है, वो है अरिस्टोटल। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ नेक्स्ट खत्म। तो ये था पार्ट टू का सिलेबस का, पार्ट टू का एनालाइज। नेक्स्ट शायद अभी तो 8 यूनिट हो गया, तो सिर्फ 2 यूनिट बाकी है क्योंकि 10 यूनिट होते हैं। ये व्याकरण का सबसे लंबा लगा मुझे यूनिट, सो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे लास्ट पार्ट का एनालाइज करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सब लोग का दिन शुभ हो। और फिर से कहेंगे जो एक बात हम हमेशा कहते हैं कि संस्कृत के ऐसे अमेजिंग नॉलेज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को समर्थन कीजिए, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ब्यूटीफुल वीडियो संस्कृत के विद्यार्थी के लिए हम बनाते रहे। तो अभी हम विदा लेते हैं, सभी को धन्यवाद, सबका दिन शुभ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, धन्यवाद।